एयरक्राफ्ट अहमदाबाद की सरजमी पर लैंड कर चुका है, जिसके साथ अहमदाबाद की सड़कें इस वक्त इंतजार कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की, और ये एक झलक है। अच्छी तरह का हिंदुस्तान में ही रहा तुम। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को बुला लिया गया है। प्रधानमंत्री वहां उनके साथ व्यस्त थे, दिल्ली यहां तिल तिल करके जलना शुरू हो गया, खास तौर से कुछ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के इलाके। असली तबाही ह्यूमन टर्म्स में अंदर की गलियों में हुई। ये मीनार है, ये मीनार है, ये जिसमें झंडा लगाया था राजधानी पब्लिक स्कूल। राजधानी यहाँ पे जंगले गए ना, दीवार है छोटी नीचे वाली, इस पे लग रही थी गुलाल, थोड़ी आ गए ना, बॉर्डर बन गया था। ये वही गैराज है। 14 फरवरी को तो शादी हुई थी और 25 फरवरी को खत्म, 11 दिन में खत्म। आंखों में आपको चीखें सुनाई देती हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं दिसंबर 9 से दिसंबर 11 2019 में, जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। जो तीन देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। सबसे बड़ा सवाल इस पर यही उठाया गया, और चर्चा के दौरान इस पर जो सबसे बड़ी बहस इसी बात पे हुई कि सिर्फ मुसलमानों को इससे अलग क्यों रखा गया। क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्याचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा? कभी नहीं हो सकता। माननीय जो मैं बिल लेकर आया हूँ वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? शायद ये दुनिया में पहला ऐसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल होगा जिसके अंदर एक खास तौर से किसी की रिलीजन को एक्सक्लूड कराओ। जिन आदर्शों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी उसके बिल्कुल विरुद्ध है। ऑपोजिशन पार्टीज जो शोर पार्लियामेंट के अंदर मचा रही थी उसी से कम देखने में ये बात लगने लगी थी कि ये जो शोर है ये पार्लियामेंट में नहीं थमेगा, ये सड़कों पर जरूर दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देखी गई है एक राइट विंग हिंदूवादी पार्टी के तौर पे, तो जब ये बिल आया तो एक जबरदस्त तरीके से एक माहौल बना कि ये मुसलमानों को उनके सिटीजनशिप से वंचित करने वाला बिल हो। दिल्ली में एक इलाका है शाहीन बाग, एक सड़क जा रही है मेन रोड, उस मेन रोड के दोनों तरफ कुछ घर हैं। उस मेन रोड पर एक छोटा सा टेंट लगा के 20 से 25 लोग 14 तारीख को बैठे और उन्होंने कहा कि हम सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। अब क्योंकि ये मेन हाईवे था जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है तो थोड़ी लोगों को दिक्कत थी, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे करके ये नंबर बढ़ने लगा। जब ये नंबर बढ़ा तो ये एक ऐसा प्रोटेस्ट का इसने रूप ले लिया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं फोरफ्रंट पे थी, और धीरे धीरे करके सारे मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स भी इसको दिखाने लगे और इंटरनेशनल हेडलाइंस ने इसको पिकअप किया। जो हेडलाइंस जा रही थी वो थी अ प्रोटेस्ट फॉर द कम्युनिटी लेड बाय वुमेन।
अब जब आप लेड बाय वुमेन बोलते हैं तो उसमें 80 साल की औरतें भी थी, 90 साल की औरतें भी थी और 5 साल की बच्चियां भी थी। शाहीन बाग में जो लोग ऑर्गेनाइजर्स जो थे उनको ये लग रहा था कि अगर इसको जगह जगह किया जाए, दिल्ली में भी जगह जगह किया जाए और देश में भी अगर अलग अलग जगह इस तरीके की प्रोटेस्ट हों तो शायद सरकार पे ज़्यादा दबाव बनेगा। अलीगढ़ के अंदर भी ऐसा एक छोटा सा प्रोटेस्ट चालू हुआ था। एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 14 तारीख को जामिया के बच्चों ने तय किया कि वो एक मार्च निकालेंगे इस कानून के खिलाफ। जब वो 15 तारीख को अपना मार्च निकालने के लिए निकले तो पुलिस का भारी बंदोबस्त था। जहां पुलिस ने उन्हें रोका वहां पे कुछ झड़पें हुई। पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ नकारात्मक तरीके के लोग पहुंच गए थे, कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले लोग पहुंच गए थे। उन्होंने बसों को, सरकारी बसों को निशाना बनाना शुरू करा और उन्होंने 3 DTC की बसों को रोका, तोड़ा और उसमें से 2 बसों में आग लगा दी। पुलिस सारा जामिया में गया हुआ है, सब जामिया में वहां उसको मार रहा है, सिग्नल सब इधर भागा है। वो देखो, वो देखो, वो देखो बेटा, आ जा, आ जा, आ जा, शाबाश, अब आया ना, अब आया। करीब 7 बजे के आसपास अचानक पुलिस का एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट चला। पुलिस वालों के सामने जो भी आया, जैसा भी आया, एक जबरदस्त लाठी चार्ज और बल का प्रयोग करते हुए पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गई, उसकी लाइब्रेरी के अंदर घुस गई। ये लाइब्रेरी में घुस गया। जो बच्चे वहां थे, क्या वो उसमें शामिल थे या नहीं थे, इसको बिना जाने उन सबको बेरहमी से पीटा। इसने एक बहुत बड़े तरीके से लोगों को आक्रोशित किया। इससे पहले कि मैं 15 तारीख से बाहर निकल जाऊं, एक और आपको घटना का याद दिलाना चाहता हूं। और मेरा कोई भी मोटिव इन जो जामिया में हुआ और जो घटना का बारे में वर्णन मैं आपको करने जा रहा हूं, उन्हें जोड़ने का नहीं है, लेकिन वो जरूरी इसलिए है बताना क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झारखंड में दुमका में एक रैली कर रहे थे और रैली करते करते उन्होंने बोला कि हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को चिन्हित करके लोगों को बताया कि यही लोग हिंसा करते हैं और यही लोग इस पूरे प्रोटेस्ट के खिलाफ है। और इस प्रोटेस्ट के बीच में, इस माहौल के बीच में, और माहौल में जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली शायद बहुत डिवाइडेड था उस समय, पोलराइज दिल्ली के माहौल में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, जबरदस्त तैयारी चल रही है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो केजरीवाल, चला रे चला फिर अरविंद देखो, दिल्ली के हक लड़ कर लेने को। फरवरी 8 को चुनाव होने हैं, उससे पहले कैंपेनिंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल, जिनको जबरदस्त बहुमत मिला था 2015 में, कोशिश में है कि दोबारा आ सके,
और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कमान संभाली हुई है अमित शाह जी के नेतृत्व में। देखिए क्या हो रहा तुझे ओ मेरी दिल्ली, ढोंगी धरने दे रहे उड़ा रहे हैं खिल्ली। अब जाग तू, छेड़ राग तू, घर से निकल बुझा हर राग तू। तो जनवरी आते आते एक के बाद एक इस माहौल में, जिसको कहें कि डिवाइडेड माहौल था, उसमें इलेक्शन के चक्कर में आग में घी का काम शुरू हो जाता है। कुछ लोग शाहीन बाग में दिल्ली को बंधक बनाए हुए हैं। शाहीन बाग एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट थी। शाहीन बाग प्रोटेस्ट के साथ जो दिक्कत अथॉरिटीज को हो रही थी वो ये था कि ना तो वायलेंस थी, ना ही कुछ ऐसी बातें वहाँ की जा रही थी। वहाँ पैसा दे दे करके महिलाओं बच्चों को आगे किया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई न करे। अब इसका जवाब ये है कि कोई वहाँ आके क्यों बैठेगा, क्योंकि वो महिलाएं जो हैं वो सारे टाइम नहीं रहती थी, वो बैचेस में आती थी, बैचेस में जाती थी, उनका घर वहीं पे था। तो ये ऐसा था कि सुबह का आपने घर का काम किया, आप घर से नीचे उतरे, आप वहाँ आके बैठ गए, दोपहर में आपको कुछ काम है, आप चले गए। इन सबके बीच में जनवरी 16 में शर्जील इमाम, जो एक पीएचडी स्कॉलर हैं जेएनयू के, और उन्होंने एक भाषण दिया कि तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में एक महीना लगे, लेकिन जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। देखिए आसाम अगर आप समझेंगे तो आसाम को ना देश का चिकन नेक बोला जाता है, क्योंकि एक बड़ा मैप भी अगर आप देखेंगे तो वो जाके इस तरीके का मैप बनता है, देश का जो मैप बनता है। तो असम को, क्योंकि वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा कि उसको चिकन नेक को देश से अलग कर दिया जाए। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप है, और जब मनीष सिसोदिया बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं शाहीनबाग के साथ खड़ा हूं, और शाहीनबाग बोलती है हमें जिन्ना वाली आजादी चाहिए। देश का चुनाव हो और उसमें कोई पार्टी पाकिस्तान का नाम ले तो शायद वो चुनाव पूरा नहीं होता, तो कपिल मिश्रा वो कमी पूरी कर देते हैं। सीधे सीधे कहते हैं कि ये भारत पाकिस्तान का चुनाव हो रहा है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान कहने से सोच जो उनकी थी या कोशिश जो थी, तो हम एक सेक्युलर देश हैं पर हिंदू बहुल देश हैं, तो हमें इंडिया दिखाया गया और सीए वालों को पाकिस्तान दिखाया गया। अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। मित्रों बटन दबाओ, तब इसने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे पक्का। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे, इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। एक तरीके से शाहीन बाग और प्रदर्शन करने वाले लोगों को देश का हिस्सा ना मानते हुए उन्हें बिल्कुल देश से अलग कर दिया गया। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत हुई, उनको बैन कर दिया गया कैंपेन से। इस बिल के आने के बाद से जितनी खुशी मेरे में है शायद मैं शब्दों में अदा नहीं कर सकता हूँ। लाल चौक में गोली मारो देश के गद्दारों को, बहुत हो गया भाईचारा, लाते मारो को। इस तरीके से गोली मारो और के बयान चल रहे थे, करंट लगाने के बयान चल रहे थे, डर का माहौल बनाया जा रहा था, उनको ये लोग करके एक पूरे तबके को अलग किया जा रहा था। 30 तारीख को एक जवान लड़का जामिया के प्रोटेस्ट पे पहुंचता है, स्टूडेंट्स वहां पर एक तरफ खड़े हुए हैं, बैरिकेड पुलिस का लगा हुआ है, और वो एक बंदूक निकालता है, और क्योंकि वहां पर लड़के लेंगे आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी, इस तरीके के नारे लग रहे हैं, कहता है मैं तुम्हें देता हूँ आज़ादी, और वो एक फायर कर देता है। दिल दहलाने देने वाली, डराने वाली तस्वीरें थी। शायद लगा कि इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा, पॉलिटिकल कैंपेन में कुछ चेंज आएगा, दिल्ली पुलिस के रवैये में कुछ बदलाव आएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अगले ही दिन एक कपिल गुज्जर नाम का लड़का बंदूक लेके शाहीन बाग पहुंच जाता है। जय श्री राम। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा नहीं चाह सकता
हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र, इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। इतनी नफरत बोधी थी राजनीति ने, इतनी नफरत कि सही प्रोटेस्ट हो रहा है या गलत उस पर ना जाकर उन लोगों को ही जड़ से निपटाने के लिए ऐसे जवान बच्चे बाहर निकलने लगे। आप पूछेंगे दिल्ली के चुनाव में बजरंग बली का क्या काम, तो काम तो पाकिस्तान का भी नहीं है, हिंदू मुसलमान का भी नहीं है, गोली मारने के फरमान का भी नहीं है, बजरंग बली तो तब भी सात्विक है। श्री गुरु चरण सरोज रज। 8 तारीख को वोटिंग है और 11 को गिनती, तब तक सब स्वतंत्र हैं जय सियाराम और जय हनुमान करने के लिए। किसी को नहीं पता कृपा कहां अटक जाए और कहां से बरस जाए। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। वो सारी दिल्ली बोले जिससे लगे रहो केजरीवाल। और एक बार फिर दिल्ली के सिकंदर बन के उभरे अरविंद केजरीवाल। 62 सीटों से वो जीते, ब्रूट मेजॉरिटी जिसे एक बार फिर कहते हैं अंग्रेजी में, उनको फिर एक बार मिली। आई लव यू। बाईस को जब ऐसा हुआ कि जो शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर्स थे, जो महिलाएं थीं, उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि हम एक ही जगह बैठे हैं और अब लोगों को दिक्कत तो हो रही थी ट्रैवलिंग में, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको लगा ऐसा प्रोटेस्ट जगह जगह और करना चाहिए, जिसके चक्कर में यहाँ से कुछ महिलाएं गई थी जाफराबाद। और वो कोशिश करती हैं कि दबाव और बढ़ाया जाए सरकार के ऊपर, और उसके लिए वहाँ पर भी शाहीन बाग जैसा एक प्रोटेस्ट साइट शुरू कर दिया जाए, सड़क को रोक दिया जाए। एक मेट्रो लाइन जाती है और एक सड़क है, सड़क के इस तरफ हिंदू बहुल इलाका है, सड़क के दूसरी तरफ एक नाला है, नाले के उस तरफ मुस्लिम बहुल इलाका है। ये 22 तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये लोग क्यों वहाँ जाकर बैठे वो भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके 2 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को इस देश में एक बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है। हम वादे करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छेड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ एक्टिविस्ट ने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप इस देश में दौरा करेंगे तो हमको अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से और बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक हमारी आवाज़ चली जाए। और किसी भी प्रोटेस्ट में इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप चाहेंगे कि कोई इस तरह के माहौल को, जब एक विदेशी डिग्नेटरी आ रहे हैं, सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाया जाए, वो आपकी बात सुन ले, क्योंकि 2 महीने ज़्यादा हो चुका है सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, वो टस से मस नहीं हो रही। और इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, ट्रंप कल अहमदाबाद पहुंचेंगे, वहां उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। इधर अहमदाबाद, दिल्ली और आगरा में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जबरदस्त तैयारी। ट्रंप के स्वागत के लिए मोटेरा स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है, आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ट्रंप और मोदी के स्वागत के लिए पूरा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। अमेरिका के राष्ट्रपति 24 तारीख को आने वाले हैं, उससे बिल्कुल एक दिन पहले 23 तारीख को चंद्रशेखर रावण, जिन्हें बोलते हैं भीम आर्मी के जो मुखिया हैं, उन्होंने भारत बंद का नारा दिया हुआ है। हम संकल्प लेते हैं सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानूनों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब दिक्कत ये हो रही थी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे तो लोग ये भी नहीं चाह रहे थे कि ये बात बहुत ज्यादा एकदम फ्लेयर अप हो जाए, तो भारत बंद का ऐलान किया गया था, वो हुआ नहीं था, लेकिन कई लोग इसके अंदर उस समय कूदने लगे। इस वक्त मौजूद है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर, फिलहाल बंद कर दिया गया और प्रदर्शनकारी मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे रोड ब्लॉक कर करके बैठे हुए हैं, और इसके चलते
यहाँ पर काफी तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया। हम सीएए के समर्थन आ रहे हैं, जो दीमक फैल रहा है धीरे धीरे पूरी दिल्ली के अंदर, हम उस दीमक को खत्म करेंगे क्योंकि पूरे एरिया को इन्होंने नष्ट कर दिया। प्रोटेस्ट चल रहा था धीरे धीरे, लोगों में गुस्सा तो था, जब इसमें कुछ हिंदू संगठन शामिल हुए इस सीएए प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, तब लगा कि अब माहौल थोड़ा सा गर्मी पकड़ रहा है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। एक तरह से मुझे लगता है कि वो एक चेतावनी थी या एक लोगों को संदेश था कि कुछ करिए, तो मुझे लगता है उस मैसेज के बाद चीज़ें बिगड़ती गईं और इस कदर ख़राब हो गई कि इसको करीब 3-4 दिन लग गए कंट्रोल करते करते, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। बहुत सारे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक तरफ पहुंच जाते हैं, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स बैठे होते हैं, पुलिस बीच में खड़ी है, लेकिन दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है। शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि दूसरी साइड का पल्ला भारी था, पुलिस और कपिल मिश्रा के सपोर्टर्स पीछे की तरफ हो गए, लेकिन आधे घंटे के अंदर सिचुएशन पलट गई, कपिल मिश्रा और उनके सपोर्टर्स ने भी पथराव चालू कर दिया। मतलब वो इतनी तेज सुलगी बात कि अंदर अंदर की गलियों में वो दिखने लगा उसका जो इम्पैक्ट। हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, 90% हिंदू आते हैं, बल्कि यहाँ पे 10% मोहम्मदन आते हैं। तो इतना करने के बावजूद भी पीर बाबा तो सबको एक नजर से देखते हैं, यहाँ तो दुख पा के आते हैं वो और सुख लेके जाते हैं, खुशियाँ सबकी पूरी होती है यहाँ पे। कम से कम 300 आदमियों की भीड़ थी उस टाइम पे, कुछ मार धाड़ करने वाले, कुछ वैसे कुछ तमाशगीन भी थे साथ में, सारी दुकान ने ये जला दी। उस मंदिर पर भी कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों ने नहीं होने दिया, निभा नहीं, कोई किसी नाम से बिगाड़ता है, कोई किसी से, सबका मालिक वो एक है, किसी ने कुछ नहीं होने दिया, मोमडन सब अड़के खड़े हो गए थे, क्योंकि कुछ 10-5% मोमडन ऐसे भी थे कि हम ये करेंगे, अगर वो ही नहीं करेगा, हमने किसी को करने नहीं दिया। तो मैंने आगे देखा जब, तो ये समझ लो गले में आग लग रही, सब जगह आग लग रही, लेकिन चद्दर पे दाग तक नहीं था बाबा की, पैसों की जल कर राख हो रही, 24-25 हज़ार रुपये थे कागज के, और तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये सिक्के थे, वो सिक्के जल जल कर जम गए थे गले में लोहे के, लेकिन नोटों की तो राख हो गई थी। तो क्या कोई भी प्रजातंत्र में पुलिस या कानून दो गुटों को इस तरीके की फ्रीडम दे सकता है कि वो एक दूसरे को आके इस तरह की बातें कहें या धमकी दें या कहें कि आप करेंगे या हम करें? ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि उसके बाद दिल्ली जिस तरह से जली, उसमें कपिल मिश्रा का एग्जाम्पल एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बार बार लिया गया और उस एग्जाम्पल को कोट करा गया इस तरीके से दिखाने के लिए कि दिल्ली पुलिस एक तबके को समर्थन कर रही थी और एक तबके के खिलाफ काम कर रही थी। अहमदाबाद की सरजमी पर लैंड कर चुका है, इसके साथ अहमदाबाद की सड़कें इस वक्त इंतजार कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की, और कुछ ही देर बाद वो भव्य नजारा होगा जब प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड एक्सप्रेस्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर हेरिटेज, और ये एक झलक है उस हिंदुस्तान की जो ढोल नगाड़ों के बीच अपने मेहमान को पलकों पर बिठाने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश ने भी उससे पहले इस तरीके का
भव्य समारोह, भव्य स्वागत किसी के लिए करा, उस इवेंट को नमस्ते ट्रंप का नाम दिया हुआ था। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के मोटेरा स्टेडियम में उनका एक बड़ा भाषण था। उससे पहले वो साबरमती आश्रम गए, मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। जब वो साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में थे, दिल्ली में बहुत कुछ घट रहा था। एक तरफ लाइव टीवी पर हम ट्रंप की बात कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं सबका ध्यान जो था वो दिल्ली पे वापस, शादरा पे वापस आता रहा, क्योंकि हर बीतते मिनट के साथ लगता रहा कि ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को प्रॉपर्टी डैमेज करने में लग गई, जिसका घर दिख रहा था, जिसकी दुकानें दिख रही थी, वो सब एक एक करके जलाने लगे। फिर एक विजुअल आया जिसे कहें कि वो दंगों का विजुअल बन गया। शाहरुख नाम का एक लड़का बंदूक लेकर सड़क पे दौड़ता हुआ जा रहा है और उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। जब वो विजुअल आया तो न्यूज रूम में अफरा तफरी मच गई कि बंदूक लेके सड़क पे, जैसी अफरा तफरी कपिल गुर्जर के टाइम पे मची थी, वैसी अफरा तफरी मच गई कि अरे बंदूक लेके सड़क पर कौन है। जो बंदूकों का सिलसिला शुरू हुआ ना, इस कैंपेन में राजनीति के चक्कर में लोगों के दिलों में जो नफरत थी, वो उस दिन दिल्ली की सड़कों पर बहती दिखाई पड़ी। इस चक्कर में जो पेट्रोल पंप था उसमें भी आग लगा दी गई। पेट्रोल पंप में आग लगाने का मतलब है जबरदस्त धमाका। आसपास खड़े हुए गाड़ियां, मोटरसाइकिल, घरों के शीशे टूट गए, क्योंकि वो वहां पे डिवीजन उस एरिया का ऐसा ही है कि कई सारी हिंदू चीजें जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में है, कई सारी मुस्लिम चीजें हिंदू डोमिनेटेड एरिया में है। तो जहाँ पे जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी वो हावी हो गई। यहाँ पे ये जो स्क्रैप का मार्केट है या पूरा टायर का मार्केट है, उसमें यहाँ पे आग लगी हुई है। ये जो आग है ये पिछले एक घंटे से आप देख सकती हैं किस तरह से सुलग रही है। अंदर ही देखिए एक दुकान है जो अभी भी जल रही है, और यहाँ पे फायर टेंडर्स जो है अब आ चुके हैं। लेकिन हमने इन लोगों से बात करी, उनका कहना है कि जिस तरीके की आग इस समय लगी है, इसको बुझाने में कम से कम अगले 2 से 3 घंटे लगेंगे। दिन यहाँ मार्केट में आग लगाई गई है मुस्तकिल रोजाना। कोई सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं था, कोई दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई ना फोर्स की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से। 3 दिन तक यहाँ बहुत तांडव मचता रहा, लोग आग लगाते रहिए, मार्केट लूटती गई, सामान चोरी होता गया। सबने रुमाल बंधे हुए हैं, किसी की शक्ल नहीं पता। 24 तारीख को यहाँ के कैमरे वगैरह जितने भी लगे हुए थे वो सब जला चुके थे। वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे थाने हैं यहाँ पर, बस यहाँ भी 3 दिन तक कुछ मतलब पुलिस प्रशासन की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ उठा नहीं सका, इतना बुरा हाल था। शाम तक लगने लगा कि दिल्ली में भय का पूरा माहौल फैल चुका है। देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी की बात तब कर रहे हैं जब एक विदेशी अतिथि हमारे देश में आए हुए हों। दिल्ली यहाँ तिल तिल करके जलना शुरू हो गया। अच्छी तरह का पुलिस वाले नहीं। प्रोटेस्ट में कभी कभी चली जाती थी, जितनी दंगा हुआ है 24 फरवरी को उस दिन वो भी देखने में चला गया। वो तब मैं भी वहीं पे बैठी हुई थी, वही औरतें जहाँ बैठी रहती वो धन्ना में,
4:30 बज रहे थे जब ना एकदम बहुत सारी भीड़ आई और एकदम सब आंसू गैस फेंकने लगी, सब उड़ते उड़ते सब भगदड़ मचने लगी, हम भी भग आए। अब पता नहीं कैसे वहाँ झगड़ा हो गया, उठाया उन लोग को, अब वो भी देखने गया, उसको घेर गया, वो पकड़ लिया उसे, बस पकड़ के ले गए। ले जाने के बाद उसको कहाँ मारा है साइड में ले जाके, मारने के बाद थोड़े मतलब 8-9 बजे खबर आई किसी थ्रू, दूसरे के थ्रू क्या फला फला ऐसे ऐसे मारा है। बहुत ही मारा, इतना मारा बच्चे के सारे जिस्म में डंडे का निशान, सारे काला पूरा जिस्म तोड़ दिया, बेहोश हो गया बच्चा, इतना चीख रहा कोई बचा लो अल्लाह बचा लो। पुलिस वाले कह रहे अल्लाह को मत बुला, अभी तुझे अल्लाह के घर पास भेज रहा हूँ। तो हम लोग ढूंढते हुए गए अस्पताल में नहीं दिखा, हमें देखने के बाद फिर वहीं से पता चला कि वहाँ थाने में, तो थाने ही चले गए। फिर फोटो दिखाया, आधार कार्ड भी, तो वो भी दिखाया, उन्हें कहीं बोले हाँ हैगा, मैंने कहा दिखा दो तो छोड़ दो, दिखा दो ना, जाने दिया अंदर, कहने चल चल रात को कोई औरत नहीं जाती है। हम बहुत देर तक थाने में खड़े रहे, 24 तारीख वाले दिन ही रात को 1 बज गया था हमें, सिर्फ हमारे सामने एक बच्चा छोड़ा था करदमपुरी का, वो भी था, उसकी हालत ज़रा सीरियस थी, खून बहुत ज़्यादा था, तो उसको हमारे सामने छोड़ा। हमने बहुत जगह फ़ोन करे, पता नहीं कि किसकी किस्मत से इस लड़के को तो छोड़ दिया उस दिन रात को धीरे धीरे, क्योंकि ये दो या तीन को GTV से 2 बारी में लेकर आए थे शायद, एक साथ हॉस्पिटल से थाने नहीं लाए, या तो इसकी उम्र कम थी या इसको चोट ज़्यादा थी, किस कंडीशन में छोड़ा यह वही जानते हैं, लेकिन फैजान और भी जो भी और थे वो साथ में ही थे। पुलिस वाले क्या क्या कह रहे थे उस वक्त, कुछ ऐसा याद है? गाली वगैरह तो राष्ट्रगान कहने के लिए कह रहे थे कि राष्ट्रगान गाओ, वो बाकी वो वीडियो में अपने फोन पर अपने किसी दोस्तों को दिखा रहे थे। आपके कहाँ पर चोट आई थी? सर में आई थी सर, ये फटा हुआ यहाँ से, और हाँ और ये उन्होंने टाके भी नहीं लगाए थे सर, टाकू की जरूरत थी इसको और टाके नहीं लगाए, और अपनी तरफ से साइन कर दिया और कह दिए कि टाके नहीं लगवाए इसने, तो उन्होंने सिर्फ पट्टी करके भी सिर्फ ऐसे रुई रख के पट्टी कर दी, कॉटन रख रखी थी, पट्टी भी नहीं करी थी, कोई दवाई भी नहीं लगाई थी, सिर्फ ऐसी कॉटन रख के ऐसी पट्टी लपेट रखी थी, सर से पैर तक खूनों में नहाया हुआ था, कोई जगह ऐसी नहीं थी जो हाथ लगाई जाए इसके, ये पूरे ना ये सब डंडों से ये इतना मोटा मोटा सूजे हुए से जैसे गोश सा निकल जाता है, इस तरीके से सारा निकला हुआ था। आजादी कोई जाने को तैयार नहीं, फिर यहाँ पे एक हिंदू था वो लेके गया अपने ऑटो में, हम तीन औरतें वो गए फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा और हम लोग से साइन करवाए, और फिर बच्चा दे लागे दिया, बच्चा बिल्कुल लथपथ खून में भी और चला भी नहीं जाए उससे ना, जरा से एक सीढ़ी भी नहीं उतर पा रहा चढ़ पा रहा, ये सब हड्डी वड्डी सब तोड़ रखी थी, ये सब घुटी ये भी सब ऐसे डंडे मारे कि सारा बदन उसका छिला हुआ था और बिल्कुल काला। फिर बोले एक डॉक्टर बोला इसका एक पूरा बदन का एक तरह करवा के लाओ, ले गए एक तरह करवाया, कर ही नहीं पा रहा था, मगर उसकी आखिरी सांस थी, वो एक्सरे मशीन में लेके गए, पूरा आखिरी सांस ही चल रही थी बस, हम कह रहे सीधा हो जाता, सीधा नहीं हो रहा, वो दम निकल गया था मतलब आधा शरीर का वो, लेकिन करते करते राधा मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिया, उसने इशारा भी दे दिया था कि मतलब मैं गया, उन्होंने कहा मतलब ये पैरों की जान गई पहले, क्योंकि पैर ख़त्म हो गए थे उसके, हल्की फुल्की जान थी वो उसने सारे से बता दी कि मैं गया। क्या इस पूरे केस के चक्कर में कोई पुलिस वाला सस्पेंड हुआ? क्या वो पुलिस वाले बेनकाब हुए? नहीं हुए। तनाव दोनों तरफ से था कि जो उस हालत ये थी कि जो जिसको पा जाए उसको वहां पे दाब ले। इसमें सबसे ज्यादा रोल खतरनाक प्ले कर रहा था सोशल मीडिया, हमारा व्हाट्सएप। लोगों को मैसेजेस दिए गए, कितने मार दिए गए लोग, इतने मार दिए गए, बदला लेना है, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, XYZ ने वहाँ इतने मार दिए। व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा
प्रायोजित हिंसाएं शुरू हो गई। हिंदू मुस्लिम मोहल्लों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया। आपके मुताबिक जो वहाँ से भीड़ आ रही थी वो मुस्लिम भीड़ थी, मुस्लिम भीड़ थी, और जो इधर से भीड़ आई फिर वो हिंदुओं की भीड़ आई। वो पता क्या हुआ, जब मंदिर पे जब चढ़ाई करने चालू करी ना, जब इकट्ठा हुआ हिंदू। अच्छा, हाँ, तो मंदिर को कोई नुकसान भी पहुंचा ऐसे? मंदिर को नुकसान नहीं पहुंच पाया था, वो ग्रिल हिला रहे थे वहाँ से, फिर लोग इकट्ठे हो गए, फिर उन्हें खदेड़ दिया। ठीक है, फिर आपस में वो पत्थरबाजी होती रही एक दूसरे के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पे बॉर्डर बन गया था, यहाँ थोड़ी आ गए ना, बॉर्डर बन गया था। पता, यहाँ दो दिन कर्फ्यू था, कोई आ जा नहीं सकता था यहाँ। पुलिस वाले ने वायलेंस किया एक दूसरे जगह को कि यहाँ पे कोई लाश पड़ी हुई है। अच्छा, हमें और हमें पता क्या, हमें नॉर्मल आंखों से पता नहीं लगा था कोई आदमी भी जला हुआ है। अच्छा, बॉडी जला दी गई थी पूरी? हाँ, जला दी गई थी। अच्छा, ये पूरा जला दिया था यहाँ से लेके वहाँ तक, ये वाले जला दिए थे वहाँ तक, पूरा जला हुआ था। और ये जो है सब लोगों से शटर पाड़े, फिर तेल छिड़का, जब आग लगाई इसमें, ये सब भरी हुई थी पूरी दुकान, बहुत माल था जी, सब जला के राख कर दी। और भर भर के पहले 5-7-10 रिक्शा भर के लेके, और फिर बाद में जला दी इसमें। कम से कम 2-3 दिन लगी रही आग, लगातार चलती रही। कोई ना पुलिस वाला कोई नहीं आया, सबने फोन करे, कोई पुलिस वाला नहीं आया। देखिए, साबुन की टिकियां भी पड़ी है, ये तो ये तभी की पड़ी होंगी अंकल जी। देखो जी, ये सब चॉकलेट हैं जी, ये देखो, ये गुटके हैं, ये रे चैनी खैनी। बाहर के लोग आए और बाजा लगाए, गाड़ी कम से कम 50 जलाई होंगी। ये वही गैराज है जब दिल्ली राइट्स हुए, दिल्ली दंगे हुए, और शिव विहार में उस गैराज में, उस पार्किंग लॉट में गाड़ियां जला दी गई थी। 2-3 हज़ार लोग आए और हमारे पार्किंग में घुसे। ये मेरा केयर टेकर था, तो उसके चाट वाटे मारे, जितनी गाड़ियां खड़ी थी यहाँ सब गाड़ियों में शीशे वीशे फोड़े, और शीशे फोड़े चले गए जो उसमें कीमती सामान था, क्योंकि गाड़ियाँ महंगी थी, किसमें क्रेटा है, फॉर्च्यूनर खड़ी थी, उसका सामान निकाल के ले गए शुरू में। अगले दिन पेट्रोल पम्प आए उस साइड से, मोमडन एरिया से, उन्होंने पेट्रोल पम्प फेंके और सारे, फिर जब यहाँ जा रहे उनकी मेजोरिटी ज़्यादा हुई, अंदर घुस के एक एक गाड़ियों में आग लगाई है। सब तोड़ दिया, ये दीवार सब तोड़ दी, दीवार तोड़ दी सब, सारा इसका सारा सामान जला दिया, ऊपर सारा बिल्डिंग तहस नहस है, सिर्फ दिवाली वाली बीच की दीवार टूट गई पूरी, सारा तहस नहस है ऊपर जाकर। भैया 24 तारीख को मेरा तो सब कुछ ही लूट गया, कुछ नहीं बचा। 7 महीने में आके बड़े मम्मिया सिब्बियार में रहे, कभी रिश्तेदारों का कहीं कहीं फिर रहे नहीं, अभी लच्चे कपड़े कभी बच्चे पैर ऐसे जो पैर रखे हैं, अभी है एक कमीज जो पैर सिर्फ वो बची थी बस, ये सब मंगे तंगे पहने में कोई लड़की दे गई है, कोई दे गई है। जब जाके हम 4-5 दिन में नहाए हम, जो दूसरों के जाकर आए, ये दीवार भी तभी की टूटी हुई है। हाँ, ये ना हटी पड़ी, सारे सिलेंडर था, सिलेंडर फटा। हमारे 21 तारीख से पापा की डेट हुई, हम पहली तरफ थे, सारे यहीं बैठे, ये दोनों बाप बेटे यहाँ बैठे, 14 जन हैं, मुंगे बैठे, 7 जन मेरे बहन का लड़का रहा पल्ले में बैठे, सारे यहीं थे, साग काट रहे। हमें तो कोई था ही नहीं, कैसा भी हो जाएगा, हमें तो यूँ था मन की पथराव हो रहा, कभी कहीं होता रहा, कभी कहीं, तो ज़्यादा ज़्यादा कल्फ लग जाएगा। 20 साल पहुँच गया, तो 20 साल से पीछे पहुँच गया, ऐसा तो 20 साल पहले भी ना था। देर में तलक्की नहीं हुई मेरे आदमी की आज तक। तो पथराव हो रहा था। अच्छा, स्कूल से वो गुलेल वगैरह से जो भी कर रहे थे वो। बिल्कुल चलती रोड है ये, मतलब पूरे दिन रश रहता है, और देखिए एक टाइम पर क्या, ये जो राजधानी पब्लिक स्कूल, राजधानी, यहाँ पे जंगले गए ना, दीवारें छोटी नीचे वाली, इस पे लग रही थी गुलेल,
अच्छा, इधर गुलेल लगी हुई थी और इस तरफ मारा जा रहा था, वहाँ पर भी कुछ खिड़कियाँ टूट रही थी, इधर भी सब मार रहे थे। इधर यहाँ तो पुलिस वाले गए थे, तेजाब के मिले बहुत, बोतले कंचे। हम अंदर गए तो हम राजधानी स्कूल पे पहुंचे। राजधानी स्कूल की जो सड़क थी उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, वहां से सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो हम चल चल के गए। वहां दो स्कूल हैं, दोनों की एक ही दीवार है, एक स्कूल इस तरफ है, एक स्कूल इस तरफ है। मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा था कि सब तोड़ दो, कि ऊपर से उठा के कुर्सियों को नीचे फेंक दिया गया था। तो जब हम स्कूल में घुसे तो जो वो कोर्टयार्ड टाइप होता है वहाँ पे सिर्फ हमें फर्नीचर ही दिख रहा था, ऊपर ऊपर से उठा उठा के वो सब फेंका गया और फिर पूरी क्लासरूम में आग लगा दी गई। ये चीज नजर आने लगी थी कि लोग पूछने लगे थे नाम, लोग अगर कड़ा देखते थे या ऐसी चीजें देख के जिससे आपके धर्म का आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो लोग पूछते थे कि आपका नाम क्या है, तो वो बड़ा खतरा उस दौरान महसूस हो रहा था। एक जगह मैं ऐसी फंसी थी कि उन्होंने नाम पूछा, वो नाम ऐसी जगहों पे पूछते हैं तो पूरा नाम पूछते हैं, तो मेरा नाम ऐश्वर्या पालीवाल है, मैं ब्राह्मण हूँ। वो हिंदू डोमिनेटेड इलाका था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कैमरा रख दीजिए। तो गाड़ी में जाके हमने कैमरा रखा, हम वापस आए तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो समझती हैं हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, और हमने थोड़ा कर भी दिया तो क्या हुआ। ऐसी बातें बिना कैमरा के कई जगह सुनने को मिल रही थी। कहीं पर मेरा कैमरा पर्सन अगर मुसलमान है तो वो मेरी जान बचा रहा है, कहीं पर मैं हिंदू हूं तो मैं अपने कैमरा पर्सन की जान बचा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे जिनको समझ में भी नहीं आया होता है कि क्या हो गया, उनकी आंखों में आपको सवाल दिखते हैं, उनकी आंखों में आपको दर्द नजर आता है कि ये क्या हुआ है। उनकी जो आंखें होती हैं बिल्कुल सवाल बन के खड़ी होती हैं आपके सामने, छोटे से चेहरे में से आंखें एकदम मैग्नीफाई होकर सामने खड़ी होती हैं आपके कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ हमारे साथ। मस्जिद को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था, लूटा गया, यहाँ जो कुरान शरीफ रखे हुए थे कुरान शरीफ जलाई, सफ़े कालीन वगैरह सब कुछ जला दिया, कुरान भी दूर मतलब पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, मस्जिद को किसी लायक नहीं छोड़ा। ये मीनार है, ये मीनार है ये जिसमें झंडा लगाया था। क्यों नहीं आए पुलिस वाले? पुलिस चाहती तो कंट्रोल कर लेती, दो घंटे के बाद क्यों आए? उस टाइम दो घंटे के अंदर अगर वो लोग चाहते तो सबको मार के ख़त्म कर देते, कोशिश भी करी थी। सब लूट के ले गए, जो सामान था कीमती वो तो लूट के ले गए, और जो बचा कुचा था उसमें आग लगा के चले गए। भाई अब सीए का मामला आ रहा है, उसमें हम क्या दिखाएंगे? हमारे तो ये भी प्रूफ नहीं है कि हमारी शादी हुई थी उसका कुछ है, या हमारे बचपन के पढ़ाई के जो हमने रख रखे थे संभाल के वो कागज़, वो भी कुछ नहीं है। पच्चीस तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप दिल्ली में थे तो दिल्ली तब भी जल रही थी। लोगों को उनका धर्म देखकर मारे जाने लगा। अंकित शर्मा आईबी का स्टाफर था, ये बात बाद में निकली। वहां के लोगों का ये कहना है कि अंकित शर्मा भी मॉब का पार्ट थे, और वो कई सारे हिंदूज को लेके जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका था उसके अंदर वो जा रहा था। ये चांदबाग का इलाका था, यहीं पर आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन का घर आता है। ताहिर हुसैन के घर का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें ताहिर हुसैन ऊंची इमारत पे खड़े हुए हैं और लगातार उनके घर से पत्थर और बाकी चीज़ें फेंकी जा रही हैं। अब ताहिर हुसैन का कहना है कि उन पर हमला हुआ था, वो अपने आप को बचा रहे थे। लोगों का कहना है कि ताहिर हुसैन इलाके के काउंसलर हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहाँ से वो हथियारों का अड्डा बनकर और लोगों पे हिंसा भड़का रहे थे। जो ताहिर हुसैन के साथ के लोग थे
ये बताया जाता है कि अंकित को इन लोगों ने खींच लिया और उसको मारपीट करने के बाद कुछ शार्प इंजरीज भी थी, चाकू भी मारे गए कुछ मारे, उसके बाद उनको नाले में डेड बॉडी को फेंक दिया। हमने ओला कैब करी, ओला कैब करके हमने जैसे घर की तरफ रुख किया तो हम खजूरी तक पहुँचे। खजूरी खास में पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई थी और आग लगी हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। फिर उससे थोड़ा सा और आगे चले तो रबड़ फैक्ट्री चौक पर पहुँचे। रबड़ फैक्ट्री चौक पर काफ़ी भीड़ थी और उन्होंने हमें रोका। मेरा नाम पूछा गया तो मैंने अपना नाम कृष्णा बताया, तब उन्होंने नाम के बेस पर जाने दिया। तो हम घर पे आ गए हिफाजत के साथ, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था, जो ओला वाला भाई हमें हिफाजत से घर पहुंच रहा था, हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि वो भी हिफाजत से घर जाए। मैंने उनको बताया भाई साहब माहौल अभी ठीक नहीं है, अभी कुछ देर और रुक जाइए, जब ठीक होगा जब चले जाइएगा। फिर मुझे थोड़ा सा क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे सब इलाके में लोग जानते हैं, नेचर वाइज किसी के साथ मैंने गलत नहीं किया तो कोई मेरे साथ भी गलत नहीं करेगा, तो मैं उनको ले कर चलने लगा। और जब चलने लगा तो कई जगह रोका तो देखा, फिर उन्होंने जाने दिया। गोकलपुरी फ्लाईओवर तक मैं उनको छोड़ कर आया। जब वहाँ से वापस एकदम मुड़ा तो देखा तो बहुत बड़ी भीड़ थी, वो पीछे बहुत तांडव मचा रही थी, आग और पत्थर और नारेबाजी हुटिंगबाजी पूरी चल रही थी। तो एकदम मेरे सामने से एक जो हमारे लोकल के ही थे नरेश त्यागी, उन्होंने मेरे सामने फायर कर दिया और वो फायर मेरी आँख पे लगा। ये लेफ्ट आई जो है परमानेंट ख़त्म हो चुकी है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है। तो ये हमारा सबसे छोटा बेटा था और हम इसी के पास दोनों दोनों रहते थे, यही हमें रखता था। ये प्राइवेट नौकरी करता था। मंगलवार का दिन था, थे हम घर पे ही, ऐसा नहीं कि हम नहीं हैं, हम भी थे घर पे। कहता है कि बच्चों से बोला चाय बना लो, बोले दूध ही नहीं है, चाय तो क्या, बोले अच्छा दूध मैं लाता हूँ। पर्दा और लाइट बंद करके चले गए, कह रहे मैं भी आ रहा हूँ कि सामान वगैरह लेंगे। इसे सुला दिया छोटे वाले लड़के को, फिर देखा कि 4 बजे एकदम से धक्का सा लगा मुझे कि जैसे कोई ईंट गिर जाती है ना, पत्थर बड़ा सा, तो मैं उठ गई। मैं क्या पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं अपने काम में लग गई जी कि मोहल्ले में हल्ला गुल्ला और था। मैं क्या मैं सामान ले आऊँ और ये आए नहीं, मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों के साथ चले गए होंगे कहीं को। हम तो गए नहीं, लेकिन हम तो सुनी हुई बता रहे हैं कि जी ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ। हमारा बेटा भी वहीं इधर से बिहार की साइड में खड़ा हो गया, जैसे और भी खड़े थे, वो सामने से गोली आई और वो सीधे माथे में उनके लड़के लगी, लड़के के। बड़े लड़के को तो इतना भी नहीं पता कि वो है नहीं, मैं यही कह देती हूँ जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब आ जाएंगे जी वो, तो वो कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे वो, मगर जब वो बूढ़े हो जाएंगे फिर आ जाएंगे। समाज को क्या कहना चाहूँ मैं, समझ में कोई बात नहीं आती। समाज के बारे में तो देखो जी, मैं तो सभी को अच्छा मानता हूँ, क्यों सब अच्छे हैं। समय के अनुकूल परिस्थिति कुछ ऐसी होती हैं जो आदमी पता नहीं क्या क्या अनर्थ भी कर देता है, अनर्थ हो भी रहे हैं बहुत। चौदह फरवरी को तो शादी हुई थी और 25 फरवरी को ख़त्म, 11 दिन में ख़त्म। हमारी तो खुशियों में तो आग लगा दी ना लोगों ने। गांव में जाके शादी करी थी बेटे की। हम दिल्ली आ चुके थे 20-21 तारीख में,
एक जगह से फोन आया चांद बाग की तरफ से, उसने मुझे आके बताया 3-4 दिन बाद कि मैंने फोन करा था कि भैया जब से तू शादी थी तेरी तो 10-15 दिन से मुझे बेकार आए, आज इसे आके कर जा। बिजली के काम के लिए गए, लाइट के काम के लिए गया था। अच्छा, कितने बजे वो यहाँ से निकले? वो यहाँ से 4-4:30 बजे करीब गया, और हमें मगरिब के अजान पे पता लग गई है कि तुम्हारा बच्चा खून में लथपथ गया है। मेरा बेटा पुलिया तक पहुँच भी गया है, वो उस पर देखे, उस पर उसे जो रहा नहीं गया उसकी हालत खराब हुई। कोई अस्पताल में रो रहा था, कोई गांव में रो रहा था, कोई कहीं रो रहा था, कोई रो रहा था, क्यों? किसी बहन ने उसका सेहरा बांधा था, किसी फूफी ने सेहरा बांधा था, किसी ने हाथ डाले थे, किसी ने कुछ करा था, किसी ने रोटियां खाई थी, कोई कुछ कर रहे थे, तो और आदमी का रोने का माहौल तो बनेगा ही। जब 4 दिन पहले जिस जहाँ खुशियाँ हों, अभी मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने जो उस टाइम जो खुशियों के कपड़े पहनने थे वो अपने जिस्मों में से उतार के ऐसे ही डाल दिए, वो ऐसे ही पड़े हुए, अभी किसी ने पहने नहीं है। ये आलम है। अब जवान बेटे का गम कितना होता है माँ बापों के लिए, ये तो हर इंसान को पता है, जिसके बच्चे 22 साल के जिसने कत्ल कर दिए हिंदुस्तान में बिना वजह, या जरा वरासी परेशानी के ऊपर, या कोई भी उसके ऊपर जो शहीद कर दिए बच्चे, जो भी हमारा हिंदुस्तान का हिसाब किताब है, जहाँ पुलिस आ जाती है वहाँ राड़ मिटाती है, लेकिन वो चीज़ जो है 25 को शाम को पता लगी कि पुलिस राड़ मिटाने नहीं, राड़ कड़वाना आई थी। दिल्ली पुलिस के बारे में ये परसेप्शन हुआ करता था हम लोगों का कि बहुत एलीट क्लास फोर्स है, लेकिन जब 24th को हम लोगों ने पुलिस की हालत देखी तब लगा कि नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है और पुलिस को यही नहीं पता कि उनको करना क्या है। सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे, वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट, पुलिस आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर सर, वी आर नॉट सेफ देयर ओन होम सर। टोल्ड मी हैज बीन टोल्ड टू मी बाय अदर्स आल्सो एंड आई हैव अश्योर्ड देम दैट यू डोंट हैव टू वरी। इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया जब 26 तारीख को दोपहर में अजीत डोभाल साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, प्रधानमंत्री जी के करीबी माने जाते हैं, वो उन इलाकों में जहां दंगे हुए थे सडनली वहां पर दिखाई पड़े। अजीत डोभाल का वहां जाना संयोग नहीं, बड़ी बात है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का संज्ञान लिया और अपने सबसे विश्वसनीय अधिकारी को वहां भेजा। अरे HM साहब ने हमें भेजा है, तो हम अकेले थोड़ी आए, PM साहब के हुक्म से आए, HM साहब के हुक्म से आए। सरकार की कोशिश थी एक मैसेज देने की कि दंगे खत्म, और अजीत डोभाल के आने से ना सिर्फ फोर्सेस का मोराल बूस्ट हो बल्कि लोगों में भी ये मैसेज जाए कि आप सुरक्षित हैं। जिन चीजों को जलाया गया था, जिन दरवाजे खिड़कियों को, जिन मोटरसाइकिल्स को जलाया हुआ था, उनकी जले हुए अवशेषों से ही अपनी गली में ब्लॉकेड लगाए हुए थे लोगों ने कि ताकि कोई और एंटर ना कर सके। तो अपनी ही जले हुए सामान से अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये पहले नहीं देखा था। पांच भाई थे, एक भाई बड़ा गांव रहता है, चार भाई शामिल रहते हैं, काम करते हैं बेकरी में। मालिक घर के वो ही थे मेरे, वो तीन घर चलाते थे, एक ये और जहाँ अपना रह रहे उसमें और गांव के, वो ही चलाते थे। उनके आगे मैं कदम नहीं उठाता था कहीं भी। मैं 22 तारीख को शाम को गया था गाँव, भतीजी की शादी थी मेरी 24 की, तो भाई मेरा सुबह गाड़ी से निकल के गया था। तो 24 तारीख को दंगे हुए, किसी का फ़ोन यहाँ से गया कि तुम्हारा ताला टूट चुका, तो वो माने नहीं, तो फिर वो मैंने एक दिन रोक लिया, फिर वो 27 को सुबह माने नहीं, वो आ गए, तो एक आदमी ने उन्हें वहाँ से वापस कर दिया कि भाई आगे क्या मरने जा रहा, तो वो गाड़ी खड़ी कर जाए सामने 13 नंबर गली में कुन्ने पे खड़ी कर जाए, तो फिर वो वापसी जा रहे थे, सो ही वो वहाँ घेर लिया उन्हें।
कितनी उम्र थी? भाई 32 साल। सर मैं रोड मारी थी और जो वहाँ खून बह रहा था वो पानी से डाल के धो दिया, निशान मेट दिया बिल्कुल वहाँ पे। दिमाग की चोट थी भैया, सभी थोड़ी ना बर्दाश्त कर लेते। सर में चोट लगी, सब बह जाया दिखाई देने लगा, तो कहाँ से बचा, वो खत्म तो यही हो गए थे। पहचान में भी नहीं आए थे बिल्कुल करके कि हमारा इंसान है, पैरों से पहचाना गया था। इंसान टूटा लंगड़ा भी बैठा रहता, कम से कम आस तो थी उसकी। अब तो वो चलाई गया बिल्कुल ही, चली गई आस। हम तो हर काम से बैठ रहेंगे, हर बात में याद आती है उनकी। ऐसा मुख मालिक ही था वो इंसान। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली जो हिंसा हुई है उसको लेकर वहां पर सुनवाई चल रही है और कपिल मिश्रा का वीडियो वहां पर दिखाया गया है बाकायदा, आपको हम बता दें। और उस वीडियो को दिखाकर पूछा गया है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, साथ ही FIR दर्ज करने को भी कहा गया। अभी क्या पुलिस एक व्यक्ति विशेष एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों को बचा रही थी? बड़ी किरकिरी हुई दिल्ली पुलिस की उस दिन, बड़ी किरकिरी हुई भाजपा की उस दिन, बड़ी किरकिरी हुई सरकार की उस दिन, जब दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों ने कहा खुद संज्ञान लेते हुए कि पुलिस कपिल मिश्रा पर FIR क्यों नहीं कर रही। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। हम तो मजदूर आदमी के गाँव से आए थे यहाँ पे, हमारी आज ये हालत बता दी कि हम कैसे फंसे पड़े। 60 घंटे कमरे में बंद रहा, हम उंदर मचा रहे थे तो उन्होंने मार के भगाया तो हम बंद हो गए कमरे में। कौन कौन था आपके साथ? मैं थे, मेरी बीवी भी थी और दो बच्चे हैं। मैं एक ऐसे घर में गया था जहाँ एक जवान बेटे की मौत हुई थी, तो उसकी बहनें जो थी बिलख बिलख के रो रही थी और लोग आसपास की औरतें आ रही थी, तो वो भी एक तरह से एक पूरा रुदन का माहौल बना हुआ था। तो बाहर पता लगा लड़के का भाई बैठा हुआ था, तो कोने में एक आदमी अपना सर झुकाए बैठा हुआ था, तो उसके चेहरे पे कोई रिस्पांस नहीं था, उसकी आंखों में कोई रिस्पांस नहीं था। तो मैं बैठा था तो उसके भाई के मैंने कंधे पे हाथ रखा और ध्यान गया, उसने ऊन की जैकेट पहनी हुई थी, जैसे ऐसी जैकेट थी, और जहां पे उसका चेहरा झुका हुआ था वो पूरी जैकेट जो थी वो गीली थी, उसका एक एक आंसू टपक रहा था और वो जो जैकेट है उस आंसू से पूरी भीगी हुई थी। फोटोग्राफ तो वो नहीं बन रही थी कुछ, उसमें कोई फोटोग्राफिक चीज नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो जो पेन था उसका साइलेंट पेन, वो आज भी पूरा अंदर तक बसा हुआ है। और मैंने फोटो देखी थी जो मेरे दिमाग से उतरती नहीं है, एक आदमी सफेद कुर्ते पजामे में और टोपी पहने हुए जमीन पे पड़ा हुआ है, हाथ जोड़ रहा है और लहूलुहान है और चारों तरफ उसके मुंह पे कपड़ा बांधे लोग से मारने के लिए बैठे हुए। राइट्स अपने आप में वरी की चीज नहीं है, वरी की चीज ये भाव है जो क्रिएट कर देता है ये सिचुएशन कि अब इस कम्युनिटी के लोगों के साथ जो भी आप करो वो जायज है। ये सेंटिमेंट अक्सर उस सिचुएशन में किया जाता है जहां कोई ना कोई किसी ना किसी का जो इस सेंटिमेंट से फायदा उठा रहा है। पर नहीं, ये दंगे होने नहीं चाहिए भैया, वैसे किसी के साथ भी नहीं होने चाहिए दंगे, क्योंकि घर चाहे किसी के भी टूटे उसके काम भी आ जाए, उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है जी,
हम तो चलो हमारे तो कट गई जैसे कट रही है। हर मुसलमान नहीं बुरा होता जी, ना हर हिंदू अच्छा होता, ये तो इंसान के वक्त के बाद होती है जी। जो बहुत एविडेंट थी इन दंगों के बाद लोगों से बात करके कि लोग घेटवाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो अब मतलब अगले आने वाले 2-3-4 सालों में वो जगह ऐसी हो जाएगी, हिंदू हिंदू के साथ ही रहेगा और मुस्लिम मुस्लिम के साथ ही रहेगा। कई लोग उस समय भी बात कर रहे थे कि हम अपनी दुकान और अपना घर बेच के दूसरे इलाकों में जाना चाहते हैं। लोग चल रहे होते हैं लेकिन उनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल टूटी हुई होती है अंदर से। नहीं आगे जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता और न सब्र आता है, न कोई त्योहार मनाया जाता है, खुशियाँ नहीं होती। जब दिल में ही खुशियाँ नहीं है तो त्योहार ही क्या मनाया जाएगा। और सब कुछ तो यही बस खाना खाते हैं, वक्त काटते हैं, मगर वो चीज दिमाग से नहीं उतरती है, नहीं उतरेगी। दिल्ली में शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर दिल्ली में ऐसा हुआ। और कोई अगर कहे कि ये सिर्फ गुस्से में हुआ, एक विशेष समुदाय में गुस्सा था, कम से कम मैं उस बात को नहीं मानता। एक सुनियोजित ढंग से दिल्ली में ये करवाया गया। पता नहीं, मतलब हम लोग तो कल भी जब यहाँ से निकले तो यही सोच रहे थे कि आप इतनी उम्र में भी इतनी हिम्मत बांधे हुए हैं और मुस्कुराहट से हम लोगों से मिल रहे हैं। मतलब हम भी आप क्या बताऊँ, बस उनकी आँखों में आपको सवाल दिखते हैं, उनकी आँखों में आपको दर्द नजर आता है कि ये क्या हुआ है। और ये एक्टिवली उनकी जो आँखें होती हैं बिल्कुल सवाल बन के खड़ी होती हैं आपके सामने। उस दिन के बाद से जीवन में फर्क आया है कुछ? लगा है कि पहले वाला वसीम कुछ और था, अब वाला कुछ? अब तो जिंदगी खराब ही है, डर बहुत बैठ गया है, निकलने में दर्द होता है। वसीम ऐसा क्यों लगता है कि अब जीवन वो जब मर्जी बुला लेते हैं, घड़ा कर लेते हैं, जब मर्जी बुला लेते हैं कि आ जाओ बयान देने के लिए। इवेंट को याद करते वक्त उसका जो डर है, उसका जो डर उन्होंने महसूस किया होता है, वो एक लाउड स्पीकर की तरह आंखों से बोल रहा होता है। ये एक मुहावरे के तौर पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आंखों में आपको चीखें सुनाई देती हैं। इतना ताकत भरा बच्चा बता मेरा, 24 साल का बच्चा, एकदम मंगनी कर रखी थी मैंने तो, शादी लगा दी थी। तो एक प्लानिंग थी, किसका था क्या था, बाहर से लोग आए और दंगे करे, तोड़ा फोड़ी करी, यहाँ के लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं है। कोई भी इंसान बुरा नहीं है, उसके अंदर जो बुराइयां पाती हैं वो बुराइयां बुरी हैं, इंसान बुरा नहीं होता। वो बुराइयां छोड़ दे, अच्छा इंसान हो जाए। आजादी के इतने साल बाद भी वो चीज घटनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये बढ़ाया जा रहा है। अब पता नहीं किस वजह से बढ़ा रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियां,
परंतु ये बहुत इंसानियत के प्रति जो हमारा तहजीब है हिंदुस्तान की, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मेरे और आपके लिए टीवी पर और कैमरे पर आके कहना कुछ बहुत आसान है। 53 लोगों ने इसकी कीमत चुकाई और उनका परिवार इसकी कीमत आज तक चुका रहा है। स्टैटिस्टिक्स से हम अपने आप की संवेदनाओं को बंद करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में, आंकड़ों में एक जलती लाश की जो स्मेल होती है वो कभी नहीं आती है। किसी के आंसुओं का उबाल जो है वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता है कभी भी। किस ढंग से एक पूरी नस्ल, एक पूरी जेनरेशन, एक बच्चा जिसके परिवार के किसी जने को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया और बर्बरता से, वो बच्चे के अंदर का जो ह्यूमैनिटी जो जिस ढंग से खत्म होती है और जिस ढंग से विकृत होती है उसकी लाइफ, वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकती आप। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने कुछ नहीं बोलने पे आदमी मर जाता है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोले, बर्दाश्त